लास्ट एपिसोड हमने वहां छोड़ी थी जहां पे हमने अली को जहाज में बिठा दिया था। वही कह रहे थे कुछ वर्स एक्सपीरियंस रहा था क्योंकि पहले एक्सपीरियंस नहीं था। जी बताएं इसके बारे में, कौन सी एयरलाइन से आप आए थे पहले? वैसे एयरलाइन तो बहुत अच्छी थी, इतिहाद से आया था। इतिहाद से आए थे, कतर से आया था फर्स्ट टाइम, वो भी बड़ी अच्छी थी। अच्छा तो मतलब उसके बड़े किस्से हैं, लेकिन अब उसको रहने में अजाब की बात है। ये था कि स्काई स्कैनर वगैरह का पता नहीं था, खुद से बुक वो एजेंट ने बुक कर दी थी, दो तीन स्टॉप थे उसके, तो जस्ट लाइक ठीक है कर लीजिए। मेरी पहली फ्लाइट थी इस्लामाबाद से अबू धाबी की, ठीक है। तो अब मैं उनमें बैठा, क्योंकि मेरा फ्लाइट एक्सपीरियंस नहीं था उससे पहले, तो मैं बहुत डरा हुआ था, यू नो जस्ट लाइक वो फ्लाइट फोबिया नहीं गिर ना जाए कहीं समंदर में ना गिर जाए। जब भी मुड़ता तो मुझे लगता था वो जैसे गुड्डी उड़ा रहे होते हैं, लगता ना कन्नी खा गया तो अब गिर जाएगी, तो मुझे लगता था यार मैं गया अपना। तो खैर वो सम वो चली, और मेरे साथ एक बैठे होते ना एक बंदा, वो मेरे से ज्यादा डर रहा था। इंसान होता ना कि यार किसी साथ वाले से देख के बात करता है हौसला मिलता है, वो मुझे हौसला कम नहीं ज्यादा नहीं कम कर रहा था, मेरे साथ वाला डर रहा था, मुझे हंसी आ रही थी। अच्छा खैर एनीवेज जी, तो आपने इत्तेहाद एयरवेज ली वाया अबू धाबी और स्टॉप करते करते आप लैंड किए जर्मनी में, किस एयरपोर्ट पे? मैं पहले अबू धाबी से लैंड हुआ रोम में, इटली में। अच्छा ठीक है, वहां से जो मेरी आगे कनेक्टिंग फ्लाइट थी ना, जो कि मुझे फ्रैंकफर्ट आनी थी, वो मिस हो गई। ओह नहीं जी, ओके। और उन्होंने मुझे उसकी जगह एक लोकल प्लेन दी, अलिटालिया, शायद आपने सुना। ओके नहीं सुना। बहुत ही फटीचर है, बहुत ही एटलीस्ट सामान तो आ गया उसमें। हाँ हाँ सामान आ गया, और ये कि यूं यूं ऐसे हिलती थी और आवाज आती थी ना, मैंने कहा यार पिछलों ने पहुंचा दिया, ये नहीं पहुंचाएगी शायद, ये रास्ते में छोड़ गई। अच्छा बट खैर सम हो, एक बैठी थी मेरे सामने, एक नाइजेरियन थी बंदी मेरे करीब ही बैठी थी, वो बहुत गालियां दे रही थी पायलट को, जस्ट लाइक ना वो पता नहीं उसने क्या करा हुआ था जो जो कि डार्मस्टाट में पढ़ रहा था, वो आया था, उसने मुझे पिक किया एयरपोर्ट से, उसने डार्मस्टाट बेसिकली फ्रैंकफर्ट से तकरीबन 40-50 मिनट की ड्राइव कर लिया है, तो वहां से इनका दोस्त इनको लेने के लिए आया, असनात ने भेजा हुआ था, उसने मुझे पिक किया एयरपोर्ट से। पहले तो मैं दो तीन नहीं बल्कि डेढ़ घंटा घूमता रहा एयरपोर्ट पे, बिकॉज बहुत बड़ा है फ्रैंकफर्ट के एयरपोर्ट, तो उसके टर्मिनल भी बहुत दो तीन टर्मिनल है उसके। तो जस्ट लाइक मेरे पास उस टाइम पे सिम भी नहीं थी लोकल, मैं पाकिस्तान से जोंग की रोमिंग करवा के आया था, मैंने कॉल की एक दो खत्म हो गया उसका बैलेंस, अब मैं ढूंढ रहा हूँ मुझे कहीं फ्री का वाई फाई मिल जाए। ओके तो जस्ट सम हाउ वी आर एबल टू कम्युनिकेट, और हमने बोला कि यार, मैंने कहा यार मैं तुझे पिक्चर भेजता हूँ तो शायद तुझे पता लग जाए कि मैं कहाँ खड़ा। ओके तो बस वो उसने कुछ यानी सम हाउ ही मैनेज टू रीच, ठीक है सम हाउ वी मैनेज, एंड फिर आप बस स्टॉप पे गए वहां से या कुछ खाना खाना खाया पर? असल में उसने मुझे पूछा कुछ खाना है, तो जस्ट लाइक मैं वो नहीं होता इंसान कॉमे में होता है कि यार बस पहुंचो यार घर पहुंचो। नहीं मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं, अच्छा जब मैं एयरपोर्ट पे उतरा ना, अचानक से मुझे फीलिंग हुई यार मैं घर वालों से इतना दूर आ गया, मतलब ये क्या चीज ना। तो मैं 1000 यूरो लेके आया था साथ ना, अब मुझे सामने बिल्कुल दिखी उनकी ना टर्किश एयरलाइन वालों की ना बिल्कुल वो केबिन बना हुआ उनका, मैंने कहा टिकट लेते हैं वापस से। और करने लगा था मैं ये, ओह माय गॉड, और मैंने घर कॉल की, मैंने कहा मम्मी वापस आ रहा हूँ मैं, मेरे से नहीं होगा शायद, तो वो फिर घर वाले परेशान, फिर ओनर रुला दिया आपने, घर वाले परेशान किया, अभी पहुंचा भी नहीं है हॉस्टल तक, और ये पहले ही कह रहे। फिर अब्बू ने कॉल किया असनात को, असनात ने क्योंकि हमारा फैमिली रिलेशन है, हम आना जाना है दूसरी तरफ, तो असनात ने मुझे कॉल करके कहता है एक दफा तो जा पहुंच जा फिर बाद में कर लेना। पर खैर वही ये वाली चीजें, तो फिर उसने मुझे बिठाया फ्लिक्स बस में, तो उधर से हम क्या हुआ जी, मैं चला और रात के कुछ 10-10:30 बजे मैं पहुंचा उधर ओमनी बस बान ऑफ पे, ठीक है वहां पे असनात खड़ा था कैबिनेट्स में, पहुंच गया घर पे, वो मुझे लेके घर चला गया चलो दैट्स इट। तो ये था आपका पहला सफर, घर पहुंच गए, पहुंचने के बाद थोड़ा रिलैक्स हो गया, एटलीस्ट एक देखा वाला बेस्ट फ्रेंड है, एग्जैक्टली खाना वाना हो गया, थोड़ा रिलैक्स हो गया, चलें गुड दैट्स वेरी नाइस। अच्छा ये हो गया आपका सफर, अब ये बताएं कि पहले दिनों में डेफिनेटली यहाँ पे जो सुपरमार्केट का एक्सपीरियंस, कल्चर का एक्सपीरियंस, एवरीथिंग इज डिफरेंट, और लोग सवाल भी पूछते हैं इसी तरह कपड़ों का, वेदर का, और उसके बाद द फर्स्ट डेज इन यूनिवर्सिटी, पहले जाहिर है सारे सिर्फ पाकिस्तानी होते हैं और यहाँ पे सारी नेशनैलिटीज होती हैं, तो हाउ वाज द फर्स्ट डेज, कैसा एक्सपीरियंस था पहले दिनों में? मतलब पहला दिन तो ये था कि कुछ जो मेरे इनिशियल डेज थे ना यहाँ पे, मतलब ये था कि मुझे जाना इस डायरेक्शन में होता था, मैं उस डायरेक्शन की बस में बैठ जाता था, बिकॉज आपको फॉर एग्जाम्पल दोनों स्टॉप सेम होते थे ना, तो हमेशा मेरी डायरेक्शन मिस हो जाती थी,
हमेशा इस तरह होता था. और जब पहले या दूसरे दिन जब मैं ग्रोसरी करने गया तो मैं इशारों से बात कर रहा था, यू नो, कि मुझे जर्मन आती नहीं थी, मैं कुछ नहीं सीखा था. कैमनिट्स बेसिकली थोड़ा ईस्ट जर्मनी में सिटी है जहाँ पे इंग्लिश इतनी नहीं बोली जाती. बिल्कुल, अगर जिनको आती भी है तो वो अवॉइड करते हैं, वो नहीं बोलते बिकॉज वो थोड़ा सा बैकवर्ड टाइप है थोड़ी सी वहाँ पे. अब ठीक है, बट लेकिन है थोड़ा बहुत. तो मैं इशारों में बात करता था, जस्ट लाइक मैं कुछ चीज़ उठाता था जाके काउंटर पर रख देता था ना, और वो जो भी वहाँ बैठे होता था काउंटर पर या बैठी होती थी तो जस्ट लाइक वो उसको स्कैन करती थी और मुझे पैसे दिखते थे स्क्रीन पे, मैं उतने पैसे देके ले ले आता था. बिकॉज़ लाइक जर्मन में मैं गूंगा था, मुझे जर्मन नहीं आता. अच्छा ये बताओ कि सबसे जो एक इशू आता है पहले दिनों में खाना बनाने का. जी जी. डायरेक्ट खाना पाकिस्तान में कभी बनाया नहीं होता. नहीं बनाया था. और यहाँ पे खाना बनाना होता है, चाय भी मुझे भी कहते थे प्याज तो काटना सीख लो. अच्छा तो वो कुछ नहीं किया होता तो अब आप खाना तो खाना है, पेट तो साथ लगे. बिल्कुल. लेकिन आप थोड़े से लगी है फिर असनात में थोड़ी खिदमत की आपकी. मेरी दफा तो ऐसा कुछ नहीं. असल में जब उस टाइम तक ना असनात को भी कुछ 2-3 महीने हुए थे आए हुए उस टाइम पे ना. चलो पेट तो कर ही लेता हूं. ये था कि थोड़ा बहुत यू नो हमारे से ज्यादा उसका हाथ चल गया था. ये इससे मतलब हाथ चल गया था. तो ये हुआ कि अब क्योंकि हम लोग 4 लोग रहते थे सब, तो मुझे वहाँ पे ड्यूटी मिली कि मुझे आटा गूंदना है. और मैंने भी लिया बर्तन और पानी फेंक दिया उसमें, लग गया मुकेश होके लेके. लेकिन पानी ज्यादा हो गया, बहुत ही ढीला हो गया. चलो खैर, एनीवेज यानी काफी टफ था लेकिन सीख गए. नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन. अच्छा तो खैर एनीवेज वो चले गए, फिर यूनिवर्सिटी चले गए, कैबिनेट्स में और एनरोलमेंट करवा लिए, बैंक का अनब्लॉक करवाया, डॉचर बैंक का जो अनब्लॉक किया, उसके बाद अनमेल्डिंग कराई, वो सब चीजें जो इनिशियल होती हैं इनिशियल डेज में, रजिस्ट्रेशन है, हेल्थ इंश्योरेंस है, सारा वीजा एक्सटेंशन है क्योंकि आपके पास एंट्री वीजा होता है, आप कन्वर्ट करते हैं, 6 महीने बाद वैलिड नहीं रहता तो आपको 6 महीने कार्ड सही होता है, ऑफ एंड ऑल बोलते हैं. और इन चीजों में आपको जो सीनियर्स जो हसनात आपका जो फ्रेंड इधर आके मेरे पास इधर आके इजी था. सो बेसिकली स्टडिंग लाइफ इन जर्मनी के ऊपर अगर दोबारा जाएं तो वो बेसिकली ग्रुप 1.5 लाख लोग एंड डेफिनेटली 1.5 लाख लोग तो पूरे जर्मनी में पाकिस्तानी इतने हैं, वो बेसिकली इन्फॉर्मेशन हम लोग ढूंढ रहे मिला के कुल मिला के मेरे ख्याल में जितने अगर सब लोग मिला के है ना तो वो मेरे ख्याल में 3300 है के समथिंग है स्टूडेंट्स जो है. जी जी. काफ़ी कम मतलब ठीक है. तो बेसिकली स्टडी लाइफ इन जर्मनी का ग्रुप है हेल्प के लिए जहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिली, फिर आपने ठान ली कि मैं भी हेल्प करूँगा. हाँ उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा मतलब जिस पोस्ट के नीचे किसी का कॉमेंट नहीं होता ना उधर मेरा कॉमेंट जरूर होता है उस चीज़ पर. जस्ट लाइक ये अच्छा लगता है क्योंकि मुझे उस चीज़ से मिली है बहुत कुछ. मतलब वही कंसल्टेंट मेरे से 1-1.5 लाख ले सकते थे उससे. और आज भी लोग देकर आते हैं, उसमें दुख होता है कि इतने पढ़े लिखे लोग जब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर है और सारी हेल्प अवेलेबल है तो डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म को आप लोग अच्छे तरीके से यूज थोड़ा सा देख लीजिए करें कि ऊपर जो पोस्ट है ना अब सर्च बार होती है ना हर ग्रुप के अंदर उसके अंदर कोई भी अपनी क्यूरी फॉर एग्जाम्पल वीजा एक्सटेंशन फॉर एग्जाम्पल तो वो डालने वो डालने उसके नीचे जितनी भी पोस्ट आएंगी उसमें बहुत हेल्प मिल जाएगी. कोई कह रहा है फाइनेंस की फाइनेंस का डाल दें, फाइनेंस एंड कॉमर्स, कोई कह रहा है मेडिसिन का डाल दें, जो भी है उसमें डेफिनेटली क्यूरीज सोचेंगे. ग्रुप है जो कई सालों से एग्जिस्ट करता है, 10 सालों से वाले वही क्यूरीज बार बार रोज आंसर करनी पड़ती है तो वो मुश्किल हो जाती है. जो वैलिड क्यूरीज होती है वो भी पीछे बिकॉज इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि 0 से लेकर 0 तक 0 से लेकर 100 तक या कहीं तक BA से Z तक आपको गाइड करे कि एक चीज. तो कोशिश करें कि स्पेसिफिक क्यूरीज पूछें, उससे यह है कि आपको आपके बेहतर आंसर मिलेंगे और लोग आपको टाइम भी दे पाएंगे. लेकिन इस तरह से सारी चीज़ें 0 से लेकर एंड तक एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि जॉब भी होती है. बिल्कुल बिल्कुल सर. तो हमने बात की कि आप क्यूरीज डेफिनेटली उस पर पोस्ट करें. जी. अच्छा लेकिन हम वापस इनकी स्टोरी पे आएंगे कि खैरियत से यहाँ पहुँच गए और शुरू के दिनों में सेटल डाउन हो गए. नेक्स्ट एपिसोड में इनकी बाकी स्टडीज के बारे में बात करेंगे. तो स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए.